नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे, जहां बीबीएमबी और चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की एक बैठक हुई, जिसकी अगुवाई कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने की। बैठक में मंत्री जगत सिंह नेगी और हर्षवर्धन चौहान मौजूद रहे। ऊर्जा सचिव समेत कई अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक को लेकर प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में 7.19% हिस्सेदारी पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको ये बता दें कि नवंबर 1966 के पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हिमाचल की हिस्सेदारी है और सेक्शन 78 के अनुसार एसेट्स और लाइबिलिटी के तहत 7.19% की हिस्सेदारी की बात हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं में पर्यावरण के मुद्दे की अनदेखी हुई है, कई स्थानों पर अवैध कब्जा भी किया गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, इस पूरे मुद्दे पर कैबिनेट सब कमेटी की एक बैठक हुई है और क्या कुछ मुख्य बिंदु निकल कर आए हैं इस बैठक से बाहर, जरा तफसील से बताइए रणबीर। जी हाँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है, जो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर चंद्र कुमार, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। आज जो चर्चा हुई है, आज चर्चा केवल इस बात पर हुई है कि जो 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, उसमें किस तरह से मजबूती के साथ हिमाचल का पक्ष रखा जाएगा। और राज्य सरकार उम्मीद कर रही है कि ये जो सुनवाई है ये अब फाइनल हो और इसमें अब जो फैसला आए वो हिमाचल के हक में आए। और इसमें देखिए तमाम सारे जो अधिकारी हैं, संबंधित विभागों के अधिकारी थे, वो इसमें मौजूद रहे हैं। और इसमें ये भी चर्चा की गई कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर हिमाचल को पैरवी करनी है। देखिए चंद्र कुमार ने साफ तौर पर कहा कि बीबीएमबी में हिस्सेदारी को लेकर जो हमारे दूसरे साथी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा, उनके साथ किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, वैचारिक कोई झगड़ा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। हिमाचल केवल ये कह रहा है कि जो उसका हक है, जो 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब पुनर्गठन नियम अधिनियम बना था, वो जो एक्ट बना था, उसके तहत हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19% है, वो हिस्सेदारी हिमाचल को मिलनी चाहिए। इसके अलावा फ्री पावर की बात कही जा रही है, रॉयल्टी की बात यहाँ पर कही जा रही है, वो क्लेम भी हिमाचल सरकार ने किया है। इस बैठक में ये तय किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 26 जुलाई को जो सुनवाई होनी है, उसमें उस सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है, उसके बाद कोर्ट का, अदालत का क्या रुख रहता है, उसके बाद आगे किस रणनीति पर जो है काम करना है। तो बार बार यहाँ पर एक ही बात हिमाचल की तरफ से कही जा रही है कि किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, हिमाचल का जो हक है वो मिलना चाहिए, क्योंकि 54% से ज्यादा की हिस्सेदारी पंजाब की है, 39% की हरियाणा की है। और हिमाचल की जो एसेस उस वक्त जो किया गया था, जो एसेस किया गया था, जो जनसंख्या के हिसाब से जो लाइबिलिटी थी, उसके हिसाब से जो तय हुआ वो हिमाचल की हिस्सेदारी है। और एक सवाल जब उनसे ये भी लिया गया चंद्र कुमार से कि भगवान मान ने किस तरह की टिप्पणी की है, तो यहाँ पर चंद्र कुमार ने थोड़ा सहज होते हुए ये कहा है कि भगवान मान नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें इस एक्ट की जानकारी नहीं है, उन्हें सबसे पहले इस एक्ट का अध्ययन करना चाहिए। हिमाचल का जो क्लेम है वो उसके वो उसका जो हक बनता है उसके आधार पर है। और आज चर्चा केवल बीबीएमबी में हिस्सेदारी को लेकर ही हुई है, चंडीगढ़ पे जो हिमाचल दावा कर रहा है कि वहां पर भी 7.19% की हिस्सेदारी है, उसको लेकर फिलहाल कोई आज चर्चा नहीं हुई, ये उन्होंने कहा, ये बाद में किया जाएगा, लेकिन पहला जो है वो बीबीएमबी में हिस्सेदारी को लेकर है। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो विस्थापन का दर्द है वो तो हिमाचली आज भी झेल रहा है,
पोंग डैम के जो विस्थापित हैं वो आज जी जी बिल्कुल रणबीर, मोटा मोटा क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो विवाद है बीबीएमबी और पंजाब सरकार का, ये विवाद आज का नहीं है, ये विवाद काफी बरसों से कई सालों से चला आ रहा है और इस विवाद के मद्देनजर हिमाचल कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। इस मुद्दे को, हिमाचल की भागीदारी को प्रमुखता से एड्रेस ही आज तक नहीं किया गया है ये दोनों पंजाब सरकार और बीबीएमबी की लड़ाई में। जी हाँ बिल्कुल, हिमाचल की तरफ की बात करें, हिमाचल देखिए 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया था, हिमाचल के हक में फैसला आया था कि बीबीएमबी का जो लाभ है, उसका जो लाभांश है हिमाचल की हिस्सेदारी के तहत वो मिलना चाहिए, वो लाभ भी आज तक हिमाचल को नहीं मिला है। हालांकि इससे पहले भी सरकारों ने कोशिशें की हैं, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग मंचों पर ये बात रखी है, केंद्र सरकार के समक्ष मसला उठाया, लेकिन इस तरह की कैबिनेट सब कमेटी जो है सुक्खू सरकार ने बनाई है। अब ये कमेटी जो है पूरी तरह से एक्टिव है और इस कमेटी का सीधे तौर पर ये कहना है कि इधर उधर की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी भर है कि जो 1966 का एक्ट है उसके तहत जो हिमाचल की हिस्सेदारी है वो दी जानी चाहिए और वो मिल नहीं रही है, ये यहाँ से इसका कमेटी बिल्कुल रणबीर और कैबिनेट सब कमेटी में मुख्य तौर पर इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है कि जो हिमाचल की हिस्सेदारी है, जो हिमाचल पंजाब को पानी देता है उसमें जो भी हिस्सेदारी है वो हिमाचल को मिलनी चाहिए और आगे ये कैबिनेट सब कमेटी किस तरीके से चर्चा करेगी, निर्णय लेगी, ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। रणबीर नजर बना के रखें, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बद्दी से आपको खबर देंगे जहां एक नकली दवाई बनाने वाली कंपनी का भांडा फोड़ हुआ है। ये कंपनी मैनकाइन और इंटास फार्मा की नकली दवाइयां बना रही थी, विभाग ने कंपनी को सीज करने के बाद दवाइयों को कब्जे में ले लिया है, वहीं कंपनी का संचालक मौके से फरार हो गया है। नकली दवाइयां बनाने की सूचना मिलने पर ड्रग विभाग के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बद्दी के एक ट्रांसपोर्ट गोदाम पर दबिश दी थी जहां नकली दवाइयों का एक बड़ा भंडार मिला। इसमें सिक्किम निर्मित मैनकाइंड और इंटास फार्मा की शुगर और मल्टीविटामिन की 50 लाख के करीब की कीमत की नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि फर्म ने बाजार में नकली दवाओं का भारी स्टॉक बेचा है। दिल्ली में नकली दवाओं की संदिग्ध डिलीवरी के बाद ड्रग कंट्रोलर दिल्ली ने भी इस संबंध में जानकारी दी है। ड्रग कंट्रोलर नवनीत मरवाहा ने इसकी पुष्टि की है। सिरमौर के श्री रेणुका जी और हरिपुर धार मार्ग धनोई पुल के समीप पहाड़ी खिसकने के कारण बंद हो गया है। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम सड़क बहाली की कोशिश में जुटी है। बारिश बाढ़ के बाद पूरे हिमाचल में पहाड़ियों के दरकने का क्रम लगातार जारी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। वहीं बद्दी चंडीगढ़ मार्ग बाईपास पर सिसवा के पास एक बार फिर जाम लग गया है। दरअसल यहां दो ट्रक अचानक से एक साथ आकर खराब हो गए जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्त ने इसकी जानकारी दी। दोनों ट्रकों में माल भरा हुआ था, इसकी वजह से ट्रकों को हटाने में मुश्किलें हो रही हैं। खबर कुल्लू से जहां आज तड़के बादल फटने से तबाही मच गई। ये बादल कई की ऊंची पहाड़ियों पर फटा जिससे कई वाहनों और घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही एक शख्स की मौत हो गई है जबकि तीन लोग जख्मी हैं। वहीं मनाली के खराहल घाटी के न्यूली जावनी नाला के बाढ़ में बाढ़ से कई दुकानों और मकानों को नुकसान हुआ है, इनमें पानी भर गया है। इस बाढ़ में एक शख्स के बहने की भी खबर है। हालांकि बादल फटने के बाद कुल्लू का मौसम साफ हो गया है। न्यूज 18 की टीम लगातार उन स्थानों की ओर बढ़ रही है जहां तबाही के बाद प्रशासन की ठोस मदद नहीं पहुंच पाई है। इसी दौरान न्यूज 18 की मुलाकात सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर से हुई जिन्होंने राहत बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियानों को लेकर जानकारी दी। अब जंगल में हम कसोल की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में हमें मिले हैं सीपीएस साहब सुंदर ठाकुर जी, इनसे हम बात करेंगे। सीपीएस साहब क्या हालत है, आप आगे जाकर आए हैं और पैदल चले हुए हैं, इस वक्त क्या हालात हैं आगे और कितनी फैसिलिटी रिस्टोर हो पाई है? नीचे जो पार्वती में इतना बहाव अभी भी है कि जितनी सड़क हम बना रहे हैं उतनी रात को वो साफ हो रही है पूरी। इसमें दो बारी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं,
पहले हम नीचे से रोड बना रहे थे, अभी ऊपर से रोड बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक निरंतर एक संघर्ष, पार्वती जो ये नदी है जो पूरे फान पे इसके साथ चला हुआ है, और हमारी यहाँ पे दो पोकलेन मशीनें, दो जेसीबी की मशीनें, जितना यहाँ पे हमारे को जो काम करने का कॉरिडोर मिल रहा है उसमें लगा रखी है। और मैं स्वयं ये चार तीन दिनों से लगातार यहीं पे सुबह शाम आता हूँ। ऊपर से भी पूरा एनएचपीसी की टीम को पूरा चार्ज कर दिया है, गैमन कंपनी की टीम पूरी चार्ज है। ऊपर से भी मशीनें लगी है, नीचे से भी मशीनें लगी है। चैलेंज है कि रोड दस्ता जा रहा है जितना रोड बना रहे हैं, लेकिन ये रोज एक काम हमें लग रहा था कि आज हम ये निकाल लेंगे, लेकिन पिछले कल का जितना हमने रास्ता निकाला था वो नदी ने फिर से बहा लिया है। ऐसे में हमें अब सॉलिड स्ट्राटा पे चढ़ के जाना पड़ रहा है। तो एक नई पूरी अलाइनमेंट ही इस मणिकर्ण रोड नीचे नया सड़क बना रहे हैं, नई सड़क बना रहे हैं, और जो कि पूरा क्लिफ है आपने देखा होगा, और रॉक ब्रेकर से पूरे पहाड़ को काटा जा रहा है। तो मेरे साथ क्या हालात है कसूल में, मणिकर्ण में? देखिए बिल्कुल जो है जो कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। सबसे बड़े जो एक इस वक्त सुखद एक समाचार है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। कुछ टूरिस्ट अपने मर्जी से अभी रुके हैं, लेकिन बिजली नहीं होने की वजह से लोग वहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहे, और अभी बिजली हमारी कसोल तक की बहाल हो पाई है। तो ऊपर से भी प्रोजेक्ट्स की अपने टीम लगा रखी है, और सबसे बड़ी बात की माननीय मुख्यमंत्री सुबह शाम डेली अपडेट हमसे ले रहे हैं, और मेरी प्राथमिकता, क्योंकि पार्वती घाटी एक बहुत बड़ी घाटी है, ऐसे में मेरी प्राथमिकता है कि जो यहाँ जब हम आज तोश पहुंचे हैं तो लोगों को लग रहा था कि हम वो एक महीने तक उम्मीद नहीं थी उनको कि कोई उनके पास पहुंच पाएगा, लेकिन तीसरे दिन हम तोश आज आखिरी गांव पहुंचे हैं। उसके साथ में पुलगा गए, पुलगा में बादल फटा है, वहां पे बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये है कि जान का नुकसान नहीं है, माल का बहुत नुकसान है। लोगों को लग रहा था कि महीने लग जाएंगे, ऐसा लोगों जब मैं गया हूं तो मुझे देख के हैरान थे। मैं किसी और की गाड़ी में लिफ्ट लेकर आगे गया हूं, बीच में पैदल गया हूं, कई जगह पहाड़ी से चढ़ कर गया हूं, कई जगह नाले को पार करके गया हूं, लेकिन आखिरी गाँव तक पहुँचा। मुझे खुशी है कि ऊपर राशन भी पूरा है, और लोग पानी की थोड़ी बहुत, जहाँ पे चश्मे नहीं है मणिकर्ण में पानी की दिक्कत है, क्योंकि वहाँ गर्मी पानी है। लग रहा था कि कई महीने लग जाएंगे, वो हफ्ते भर में हम जिसमें कि चार दिन हो गए हैं और तीन दिन और मैं मान के चल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बहुत पूरा चुस्त दुरुस्त ये फिर से पटरी पे जिंदगी लौट आएगी। तो सीपीएस साहब हमें यहाँ पर मिले हैं और लगातार मुआयना कर रहे हैं अपने क्षेत्रों का, हालचाल जान रहे हैं नागरिकों को, और फैसिलिटी रिस्टोर करने में लगे हैं। चैलेंज बड़ा है लेकिन कोशिश पूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। शहीद गुरदीप सिंह के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने 6 जुलाई 1999 में करगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत को गले लगाया था। मेंढर के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया, इस मौके पर भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की गई। पिछले 3 दिन से विशेष पूजा अर्चना चल रही थी जिसमें बनारस और काशी के विद्वान पंडित मौजूद थे। फाइनेंशियल क्राइम यूनिट करगिल ने एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहयोग से 13 विभागों के कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल 12 में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 13 विभागों के 150 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों से अवगत कराया गया। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। न्यूज 18 कसौल मणिकर्ण घाटी भी पहुंचा, जो 9 जुलाई से अंधेरे में है। यहां सड़क यातायात बहाल होने में अभी समय लग सकता है। हालांकि प्रशासन ने सुमा रूपा तक छोटे वाहनों को जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन यह सड़क भी बेहद खस्ताहाल है। मणिकर्ण घाटी में कई लोग अटके हुए हैं जो गाड़ियों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। घाटी में जनरेटर चलाने के लिए ईंधन भी नहीं मिल रहा है, और जहां मिल रहा है वो 200 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे में घाटी के लोग करीब 15 किलोमीटर दूर से पेट्रोल लाने को मजबूर है।
बारिश बाढ़ के बाद हिमाचल में सब्जी के दामों में आग लगी हुई है। हालांकि शिमला में सब्जी के दामों में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, जहां शिमला में टमाटर की कीमतें 100 रुपए किलो से कम हुई हैं, दूसरी सब्जियों के दाम भी थोड़े कम हुए हैं। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं की मनमानी भी सामने आ रही है, जहां बालूगंज में एक दुकान 80 तो दूसरी दुकान में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा है। इस दौरान एक महिला खरीदार ने साफ कहा कि अब उनके परिवार ने टमाटर खाना ही छोड़ दिया है और दाल ज्यादा खाई जा रही है। आज टमाटर का भाव मेरे पास जो है वो 80 रुपीस केजी है, जो मैं परसों खरीद के लाया था। बाकी सब्जियों के सर 60 रुपए किलो भिंडी, 60 रुपए किलो बैंगनी, प्लस 70 रुपीस क्या नाम बीन, इस हिसाब से रेट है। हाँ, घिया गुआ 60 रुपए किलो है, खीरा 40 रुपए किलो है। ग्राहक तो सर कम आ ही रहा है, बट ये है कि अब जिस हिस्से से मौसम ने कहर पाया हुआ, उस हिसाब से जो रेट बढ़ रहा है वो पीछे से बढ़ रहा है। महंगाई तो टमाटर रसोई कैसे चल रही है? ऐसे ही चला रहे जी, बस धक्के में ही। हाँ जी, बहुत महंगा। हाँ जी, बहुत महंगा हो गया जी। तो टमाटर का इस्तेमाल कम कर दिया, दो की जगह एक कर दिया? दो का हम खा ही नहीं रहे जी टमाटर। नहीं पुग रहा है जी। नहीं जी, बाकी सब्जियां भी कम कर दिया। सब्जियां कम कर दी, दाल भी दिया हुआ जोर सारा। आम 50 रुपए किलो है और केला 80 रुपये दर्जन है, और अनार 200 रुपये किलो, नाशपाती 40 रुपये किलो है, बस यही है सर। आड़ू 60 रुपये किलो। ग्राहक को दिख नहीं रहा है, बाजार को सुना है, कैसा कारोबार? मार्केट आजकल ढीली चली हुई सर। हाँ जी, क्योंकि बरसात के मौसम में लगभग अधिकतर घरों में सभी के घर में लोकल फ्रूट है ही है सर। बस मार्केट में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं जिसके घर में। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल और केंद्र में भाजपा सरकारों के होने का फायदा हिमाचल को मिला, हालांकि नुकसान के पूरे आंकड़ों की रिपोर्ट केंद्र को भेजने के बाद प्रदेश सरकार को हर संभव मदद की जाएगी। सरकार ने आरंभिक तौर पर करीब 360 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद प्रदेश को भेज दी है। उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान के पानी को लेकर दिए गए बयान की निंदा भी की। उनके दौरे के दौरान विधायक सतपाल सत्ती, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने दिशा की बैठक में हिस्सा लिया और इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए साझा की। ऐसी घड़ी में जहां हर राज्यों को दूसरे के साथ संबंध बना के इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप देखिए, हरियाणा की एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ पंजाब है, दोनों तरफ आम आदमी की सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की, और दोनों मुख्यमंत्री अपने सिर पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, दूसरे पे ठीकरा फोड़ने का कार्य करते हैं। दिल्ली की 2 साल से क्या आपदा प्रबंधन की बैठक नहीं हुई? क्या 5 साल से उन कार्यों के लिए पैसा नहीं दिया गया जिन कार्यों के लिए पैसा देना चाहिए था, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति आए तो उसको रोका जा सके, उसके लिए पहले से तैयारी की जा सके? मंडी में हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे ड्यूटी पर पुलिस के जवान तैनात हैं और बगैर थके और रुके लोगों की मदद में जुटे हैं। पुलिस की ओर से स्थापित कंट्रोल रूम 15 सितंबर तक राहत और रेस्क्यू के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर एसपी मंडी सौम्या की पीठ थपथपाई है। इस आपदा से पुलिस को सीखने का मौका मिला है। कुल्लू के मणिकरण में पुलिस थाना और कसौल में डीएसपी कार्यालय खोलने की मांग सरकार से की गई है। ये ऑपरेशन डाउन नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम अभी भी एस्टेब्लिश्ड है। कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 15 सितंबर तक ये चलता रहेगा काम, और ऐसा नहीं है कि हमने ये इंसिडेंट ख़त्म हो गया तो हमने अपना काम ख़त्म कर दिया, ये काम जारी रहेगा। देखिए, अंग्रेजी में बोलते हैं सीजलेस, टायरलेस एंड रिलेंटलेस, जिसका हिंदी में अनुवाद होगा बेसिकली थके बगैर और रुके बगैर। तो मैं पूरी मंडी पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, वो बगैर थके बगैर रुके वो काम करते रहे और लोगों की मदद करते रहे। माननीय श्री प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट करके सोमिया जी को बधाई दी है, और मेरे को लगता है बधाई ना केवल इनके लिए, पूरी पुलिस फोर्स जो मंडी है उसके लिए है। कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध साइट बीड़ बिलिंग और धर्मशाला में प्रसिद्ध इंद्रनाग साइट में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। बरसात के दौरान पर्यटकों और पैराग्लाइडरों की सुरक्षा को देखते हुए पर्यटन विभाग ने यह निर्णय लिया है। जिला कांगड़ा में 4 पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं, जो कि
इंद्रनाग है, नरवाना, बीड बिलिंग और बिलपटियाँ ज्वालाजी में। सो वहाँ जो 15 सितंबर तक जो है वो इन जो पैराग्लाइडिंग गतिविधियाँ हैं इन पे रोक रहेगी। उसका कारण ये है, एक तो मानसून जो है उनमें जनरली वैसे भी बंद इस एक्टिविटी को किया जाता है, साथ में जो हमारे रूल्स हैं उसमें भी ये प्रोवाइडेड फॉर है कि ये जो एक्टिविटी है ये 15 जुलाई से 15 सितंबर तक बंद रहेगी। तो उसी के रिगार्डिंग हमने जो है ऑफिस ऑर्डर भी जारी किया है और सभी जो एसोसिएशंस और ऑपरेटर्स हैं उनको सूचित भी कर दिया है। दरंग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने राज्य सरकार से मांग उठाई है कि पंडोह में हणोगी तर्ज पर पुल का निर्माण किया जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये मांग उन्होंने पंडोह में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और प्रभावितों से मुलाकात करने के दौरान उठाई। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान दरंग और सदर विधानसभा क्षेत्रों को हुआ है। ये तो शुक्र है कि गहान वाला ब्रिज भी गया होता तो हमारा ये सारी पंचायतें कट होती, काला पानी की तरह ये हमारा एरिया होता है। और ये हम चाहेंगे, निवेदन करेंगे सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, ये जो ब्रिज गए हैं हमारे, पुल गए, व्यक्तिगत क्षति भी हुई है, व्यक्तिगत क्षति का भी सरकार जो उचित मुआवजा उसको मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दरंग विधानसभा क्षेत्र में हमारी ग्राम पंचायत ग्रहान और हमारी जो 4-5 पंचायतें शुआ बदार है, हमारा हटौन है, नागधार की पंचायत है और औट पंचायत और जिहरी पंचायत है, इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कुल्लू के बाद। यदि मंडी जिला में यदि नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान दरंग विधानसभा क्षेत्र और सदर विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाले जो ये ब्रिज है इनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सोलन में 3 दिन हुई भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में कई स्थानीय संस्थाएं और स्थानीय लोग मदद को आगे आ रहे हैं। सोलन के युवा कलाकार अजय भारद्वाज भी प्रभावित लोगों की इन दिनों मदद कर रहे हैं और 12 से ज्यादा लोगों को राशन की किट पहुंचा चुके हैं जिसमें आटा, चावल, घी और मसाले शामिल हैं। देखिए, परिवार के साथ इसमें ऐसा है कि लगभग अभी क्योंकि 2 से 3 दिन हुए हैं मैंने जो पोस्ट किया था, तो एक दिन तो कॉल्स आने में ही लग गया, तो अभी पिछले 2 से 3 दिन में रेगुलरली कॉल्स आ रहे हैं जिसमें कि अभी हमने 11 से 12 परिवारों को किट्स प्रोवाइड करवा दी गई है। और आज अभी जैसे कि कल कॉल आए थे, कल मैं नहीं अवेलेबल था सोलन, तो आज अभी लगभग हम 8 से 9 परिवारों को भी कुछ, क्योंकि 5-6 परिवार हाउसिंग बोर्ड में है, 2 से 3 परिवार शांति में है जो कि घर टूट जाने के बाद अलग अलग अपने रिश्तेदारों के पास या रूम रेंट पर लेकर वहाँ ठहर रहे हैं, तो अभी हम हाउसिंग बोर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो 8 से 9 लोगों को आज हम, अभी तक जो कॉल्स आई है उनको भी हम किट प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 18।